और आपकी जैसे आपने बताया सुपर सक्सेसफुल सुपर हिट पार्टनरशिप टी सीरीज के साथ रही, गुलशन कुमार पे मूवी भी कर रहे हैं अक्षय कुमार मुगल के नाम से, लेकिन जब असैसिनेशन की खबर आई पूरा बॉम्बे भी हिल गया था, पूरा इंडिया भी दहल गया था एकदम से, वो दौर कैसा था और एकदम से शॉक लगा आप सबको ही, बिकॉज दैट मैन डिड सो मच फॉर इंडियन म्यूजिक, इतना ज्यादा एम्पायर उन्होंने खड़ा करा, आज भी टी सीरीज ब्रांड जो है इज द नंबर वन ब्रांड इन द कंट्री एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, दे ओन मोस्ट ऑफ द म्यूजिक राइट्स। Yes, it was a huge shock when, you know, he was no more. और गहराई में अगर आप सोचेंगे तो यू सी द म्यूजिक जो डाउनहिल हुआ है, इट्स ओनली आफ्टर दैट मैन वॉज नो मोर, उसके बाद देर वॉज अ स्टेडी डाउनहिल, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन जो दिलो जान से आर्टिस्टों को एक मकाम देने के लिए, उनको उनकी राइटफुल पहचान देने के लिए, वेदर इट वॉज द सिंगर वेदर इट वॉज अ म्यूजिक डायरेक्टर, ही स्टेप रियली हार्ड एट इट, मतलब ही वॉज वन पर्सन जो जिन्होंने सेल्फलेसली ये सब किया, एंड टुडे इट्स बिकम अ रेयरिटी कि कोई किसी के लिए नो दे, ईच वन नोज कि अच्छा वो हिट हुआ है इसलिए तुम्हें ये गाना दो, वो ऐसे गा रहा है इसलिए तुम ऐसे गाओ, यू नो, सो सिंगर्स टुडे उनको पीयर प्रेशर होता है, दे अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ करके दे ट्राई टू साउंड लाइक somebody else, तो मकाम बनाना मुश्किल होता है।